मसाला पुलाव लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है और झटपट बन जाता है। और जो हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बताते हैं कैसे बनता है। ये देखिए व्यूवर्स, हमने कुकर रखा हुआ है, उसमें हमने एक कटोरी भर का रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। आप चाहें तो घी में बना सकते हैं। अब ये हमने तीन बड़े साइज के प्याज पतली पतली काट लिए हैं, इसको पहले फ्राई करेंगे। और ये देखिए कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि दो तेज पत्ता है, दो टुकड़ी दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है, तीन चार छोटी इलायची हरी वाली, और ये आधा चक्रफूल है, और ये तीन चार पांच छह लौंग है, पांच छह गोल मिर्च है, और आधा चम्मच सिया जीरा है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये देखिए 1 टीस्पून जीरा है, इसको भी इसमें डालेंगे और इन सबके भुनाई करेंगे। और ये देखिए आधा किलो मटन है, इसको भी इसमें डाल के हम इसको जब तक भूनते हैं तो कलर चेंज नहीं हो जाता, मटन का कलर चेंज करना है हमें, तब तक इसको भूनते रहना है। इसको भी इसी में डाल देंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इन सब कुछ में भुनाई कर लेंगे। टमाटर गलने तक हमें इसको ऐसी तरह भूनना है। मटन को जितना आप भूनेंगे उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं टमाटर गलने तक इसको भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ हमारा भुन गया है अच्छे से, टमाटर भी गल गए हैं काफी हद तक। और अब हम इसमें एक छोटी कटोरी के हिसाब से दही डालेंगे, मीडियम टू लो रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत तेज नहीं रखिएगा वरना दही फट जाएगी। ये देखिए एक छोटी कटोरी हमने दही डाला है, अब इसको भी हम भुनाई करेंगे। इसके पानी को भी खुश करना है दही को, आपको दिखाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, दही भी हमारी अच्छे से भून गई है और तरी ऊपर आ गई है। अब इसको हम ढक्कन लगाकर गैस रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए 1 कप पानी है, मटन के हिसाब से हम पानी डालेंगे, बस 1 कप इसमें अफराद है। अब इसको हम ढक्कन लगाकर रखते हैं। देखिए फ्रेंड, ढक्कन लगा के हमने रख दिया है, इसको अभी हाई फ्लेम में पकाएंगे। जब ये एक सीटी आ जाएगी तब इसको हम मीडियम टू लो में पकाएंगे कम से कम 15 मिनट, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गया है, अब इसको खोलकर देखते हैं। ये देखिए 95% मटन हमारा पक चुका है, अब इसको हम हटा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन सबको हम एक बड़े भगोने में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए हमने ट्रांसफर कर लिया है, अब इसमें हम आधा लीटर पानी डालेंगे।
देखिए हमने आधा लीटर पानी डाल दिया है और ये कुछ हरे मिर्चे हैं, खड़े हरे मिर्चे हैं, इसको बीच से हमने चीर लिया है और इसे दो छोटी मिर्च है, इसको महीन महीन काटा है, ये भी इसी में चला जाएगा और इसको बॉयल आने तक हम इसको इसी तरह रखेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तब हम चावल डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें हम कुछ टिवड़ा जड़ डालेंगे, आपको पसंद है तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। और अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये देखिए हमने 1 किलो चावल लिया हुआ है, इसको धो के अच्छे से रख दिए थे पहले ही, ये सोख कर गया है। अब इसको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चावल सब डाल लिया है। अब इसको हम पहले हाई फ्लेम पे चावल को बनाएंगे और हल्के हाथों से चलाइएगा ताकि चावल हमारा टूटे नहीं। पानी जब इसमें थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, चावल जब हमारा दिखने लगेगा, पानी नीचे चला जाएगा, तब हम इसको दम देंगे लो फ्लेम पे। और एक चीज और फ्रेंड्स कि जब भी पानी आप डालें, अब बॉयल आ जाए तो आप नमक चख लें, उसके बाद चावल डालें, तो इससे क्या होगा आपके पुलाव में नमक बराबर रहेगा। पानी खुश्क हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चावल जो है ऊपर आ गया है, पानी नीचे चला गया है, ये पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है, लेकिन पूरा पानी हमें नहीं सुखाना है क्योंकि अभी दम भी देना है, तो चावल उसमें और पकेंगे। अब इस स्टेज पे आके जो हमने तली हुई प्याज रखी थी इसको इसमें डाल देंगे। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम में कर देंगे, जितने में आप दम बिरयानी बनाते हैं बस उसी फ्लेम में इसको रखना है। और इसको ढक्कन लगा के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गया है, अब इसको हम खोल कर देखेंगे। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बन गया है। अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे। अब इसको फिर से हम 2 से 3 मिनट तक रखेंगे, तुरंत नहीं छुएंगे वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ये गर्म, और भाप भी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स 3 मिनट हो गया है, अब इसको खोल कर देखते हैं। देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बेमिसाल बिरयानी बनी है। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनकर तैयार हुई है हमारी। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।